पीछे भाई पीछे। शादी के बाद तो बहुत कम आई हूँ ना बाहर, क्योंकि घूमी इतना हूँ तो एक महीना गई है नहीं घूमी। लास्ट क्लास में तो हम एक से बोर हो गए लेकिन गोवा में मजा आ गया। आप गोवा में थे? हाँ, पैसा भी लगा उसका भी बड़ा मजा आया। अभिषेक जी अभी आए ही नहीं। आप लोग पैसा नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? आप लोग पैसा नहीं लगाएंगे तो भाई, उसके लिए 19-19 घंटे काम किया है। शादी एक ही बार होनी है ना। सही बात। हाँ जी, कौशल हमारे मैनेजर हैं, उनकी तरफ भी कैमरा हमारी उनके सर पे कैमरा हमारी है। कुछ अंदर होंगे ना गणेश जी, उनको पूछते हैं कि सामान कहाँ से लाना है। Yeah.
स्कॉच ये रम विस्की कहां पर है स्कॉच और हमारे पास जो है ना रम उधर कुछ कुछ का नाम हमारे पास जो है उसका टकीला नाम है पार्टीज में भी ले जाओ पूरी हो डाले यहाँ तो ये सारे एडॉप्शन के लिए अच्छे घर ढूंढ रहे हैं आज सब कैमरामैन से एक लेके जाएंगे एडॉप्शन के प्रोसीजर ऐसे हैं कि घर चेक कर लेते कहाँ रहते हो क्या है और घर की सहमति है कि नहीं माँ बाप के साथ बच्चे को आगे ले लेंगे पहले पूछते हैं पेरेंट्स को कि आप सही में करना चाह रहे हैं तभी अडॉप्ट करवाते हैं वो जो बैठा है वो उसकी मॉम है उसको खोल दिया खोल दो उसकी मॉम है अरे दो दैट्स द मॉम अब सब उसके पीछे पड़ जाएंगे दूध पीने सो मम्मा इज कम राहुल ये मनीषा है रिहैब मैनेजर है मेरी फ्राइडे ये आपको आगे का भी दिखा देगी मैं जरा नीचे हूँ अब जब आपका हो जाए तो आप आओ इनको अब इनको आपने आई हैव शोन देम वॉर कंपाउंड टेक देम टू द नेक्स्ट एंड देन शो देम द कैट्स आल्सो इफ दे आर कीन लाइट हां नहीं है बंद फोटो ले लेना सौरभ ये बाहर आ गए जल्दी मिल पकड़ो तो भोले बन जाते बोलो क्या हुआ इसको काली काली गोरी गोरी हो गई गोरी गोरी कोई बात नहीं अभी कौन सा शूटिंग है मेरे स्क्रैच करो Thank you.
हो गया उसके लेग्स दे उसको कोई अडॉप्ट नहीं कर ऐसे लोग होंगे अपने से बांध के चले गए बांध के चले गए छोड़ दिए वो फ्री चीज दिख रही है वो बीगल है इसे बीगल ये है डाल्मेशियन ये लैब है बहुत अच्छा बोला आपने हम भी यही बोलने वाले थे कि आज गुड़ी पाड़वा है और नवरात्रि की शुरुआत है तो शुभ काम करके बहुत अच्छा लगा है और इतनी ज़्यादा शांति मिल रही है इतना मज़ा आ रहा है आप लोग चले जाओगे हम तो भाई खेलेंगे इनके साथ और थैंक यू सो मच हर्ष कि जब भी मैं ऐसा कुछ करने का बोलती हूँ तो तुरंत मान जाते हैं और हमारी देखो ये मीडिया वाली प्यारी सी हॉट सी लड़की इनसे डर रही है कुछ नहीं करेंगे थोड़ा सा अंगूठा खाएंगे बस ये हमको दे दो ये आइडिया था भारती का एक्चुअली और मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था भारती मतलब संडे को कहीं जाना है सो फिर भारती मुझे डिटेल दी कि भाई ये है यहाँ जाना है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया बिकॉज मुझे भी जानवर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये दुनिया उनकी भी है हमारी अकेले की नहीं है इतने अच्छे लगते हैं ना क्योंकि मेरे घर में खुद एक पेट है टकीला और अभी जाके हमको सूंघेगा तो हमको बहुत मारेगा वो क्योंकि उसको इतना गुस्सा आता है घर में रिश्तेदार आ जाए तब वो चिड़चिड़ा हो जाता है तो ये तो फिर भी उसके साथ ही है सो मैंने और अर्श ने फैसला किया है कि जब भी हमें टाइम मिले हम ये तो नहीं कह सकते कि हर हफ्ते जब भी एक दो महीने के बाद टाइम मिले हम आते रहेंगे और इनकी सेवा के लिए तो हम वैसे भी सब भिजवाते ही रहेंगे और यार बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग दान करके आते हो मंदिरों में ये वो इनसे अच्छा इनको दे दो क्योंकि ये तो मांगते भी नहीं हो रहे ये इनको बेचारे इतने सारे लोग जब ये बीमार हो जाते हैं छोड़ जाते हैं तो बहुत बुरी बात है यार मतलब सुख के समय वो आपकी इतनी सेवा करते हैं आपके घर की रक्षा करते हैं और जब उनकी किसी की आँख खराब हो गई टांग खराब हो गई तो आप उनको रास्ते पर छोड़ जाते हो तो ये बहुत बुरी बात है आप प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी मुझे पसंद करते हैं लोग मेरे फैंस हैं मेरे चाहने वाले हैं आप एक बार आइए ये मड में बना हुआ है बहुत सारे प्यारे प्यारे यहाँ पे पपीज़ हैं बच्चे हैं मुर्गे हैं मतलब बिल्लियाँ हैं बहुत सारी चीज़ें हैं आप आइए अपने बच्चों को लेके यहाँ पे मस्ती कीजिए कैफ़े भी खुलने वाला है सो आप यहाँ पे कॉफ़ी भी पी सकते हैं उनसे प्यार भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ पर आइए इतना प्यार मिलेगा आपको कि आप कहेंगे कि हर महीने हम यहाँ पे आएँ बिल्कुल बहुत सच बात है क्योंकि हमारे घर में भी है और हमको पता है और मैं तो कहती हूँ एक एक ले जाओ हमारे घर में तो हमारा वाला बहुत चिड़चिड़ा है वरना मैं मेरा बस चलता तो मैं ऊपर कितने छोटे छोटे प्यारे बने थे मैं ले लेती यार वो और बस बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर सबसे बेहतरीन चीज़ इस एनजीओ की क्या लगी आपको मुझे ये लगी कि इतने यंगस्टर यहाँ पे इनकी सेवा कर रहे हैं और मतलब आप जितने भी यहाँ पे इनकी हेल्प करने वाले या मैं बोलूँगी कि सेवा करने ही वाले बोलेंगे यंग है लड़के लड़कियाँ हैं वरना आजकल के लड़के लड़कियाँ चलिए कॉफ़ी पीने चलते हैं या यहाँ चलते हैं मॉल में जाते हैं लेकिन ये आज संडे के दिन भी यहाँ पर है सो बहुत मेरी तरफ से तो सबको गॉड ब्लेस और बस हर्ष आप क्या कहेंगे मेरे को तो कभी कभी लोग चिढ़ते भी हैं बोलते हैं अरे गली के कुत्तों को क्यों हाथ लगाते हो ये बीमारी वाले होते हैं नहीं ये बीमारी वाले नहीं ये सिर्फ प्यार के भूखे हैं
सो बहुत बुरी बात है कि आप जब तक अच्छे प्यारे लगते हैं आप उनको घर में रखते हो, पालते हो, लेकिन जब वो थोड़े बीमार हो जाते हैं या नहीं संभलते आप छोड़ देते हो। सो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मेरी नज़र में आपको अगर पेट घर में पालना है तो कभी भी शो ऑफ के लिए मत पालिए, क्योंकि वो जो फैंसी ब्रीड्स होती है या क्यूट क्यूट होते हैं तो आप रख लेते हो, क्योंकि छोटे होते हैं ना, क्यूट होते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन उनकी एज के बाद वो थोड़े शांत हो जाते हैं, वो बोरिंग हो जाते हैं, तब उनको अटेंशन चाहिए, तब आप उनको आपका प्यार चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके, बट आप तब वो करते नहीं हो, बहुत बुरा लगता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ फैंसी डॉग्स के पीछे मत जाइए, हमारे आसपास इतने सारे जिनको आपकी ज़रूरत है, सो प्लीज़ उन्हें पालिए, उनकी रक्षा करिए, उनको खाना खिलाइए, उनका टेक केयर करिए। हैं बिल्कुल यार, हमारे पास भी, मैं बोलना चाहूँगी अर्श ने कहा कि जो क्यूट क्यूट फैंसी वैंसी देखते हैं, हमारे घर में भी क्यूट वाला फैंसी वाला है, बट वो हमने उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी जब बच्चे हुए थे, तो हमने ले लिया था तब, तो वो क्यूट था, अब हम क्या करें। लेकिन बहुत ज़्यादा ये बड़े प्यार होते हैं, मतलब मेरी शादी हो गई है और मैं कम से कम 5 साल से उसके साथ रहती थी, वो जब मैंने लिया था, अर्श ने गिफ्ट किया था, लेकिन आज भी वो जब हर्ष आता है घर में वो सब भूल जाता है, सिर्फ उसको हर्ष चाहिए, जैसे मुझे। मैं हमने पूछा था कि इनको क्या चाहिए, उन्होंने बोला राइस चाहिए, तो हम जितने हमको, मैं एक दुकान में, मतलब ऐसा तो नहीं, मैं मॉल में गई, मैंने अपने कलीग को बोला कि पास वाली दुकान में कितने चावल है, तो उसने बोला 300 किलो है, तो मैंने बोला 300 किलो ले लो, बिस्किट कितने हैं, तो उसने बोला इतने 500-600, मैं कहा ले लो सारे। फिर मेरे पास और हर्ष के पास थोड़ा सा टाइम था, तो हमने बोला कि चलो पेडिग्री भी ले लेते हैं, पेडिग्री ली, फिर उनके लिए टॉवल्स लिए, कटोरे लिए जिसमें वो पानी पियेंगे, शैम्पू है छोटे पपीज़ के लिए, बड़े पपीज़ के लिए भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने देखा है अभी मैं दवाइयाँ भी लेकर आऊँगी, और कुछ ऐसे पपीज़ हैं जिनके पास, जिनके होते ना टिक्स पड़ जाते हैं, वो भी दवाई भी लेकर आऊँगी। सो स्प्रे फ्रेगनेंस के लिए इनके वाली मैंने बहुत सोचा हुआ है, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो जैसे हर्ष से खुशबू आती है इनसे भी आएगी, है ना हर्ष? तो तुमने फिर हाथी से शादी क्यों की? नहीं, मैं एक्चुअली जब मैं छोटा था मेरे पास कुछ 14 बिल्लियाँ थी, सो मैं सोसाइटी में, हाँ जी, छोटी छोटी, मतलब एक बिल्ली हमने पाली थी, फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर उसने 4 बच्चे दिए, फिर उसके बच्चे प्रेग्नेंट, तो पूरा वंश था हमारे पास, तो मैंने बहुत बहुत बिल्लियाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब डॉग्स भी मुझे तो सारे पेट अच्छे लगते हैं, बट बिल्लियाँ मेरे पास थी इसलिए मेरा ज़्यादा कनेक्शन है बिल्लियों से, बट मेरे को तो सारे जानवर अच्छे लगते हैं यार, और मैं बहुत लकी हूं कि मतलब मुझे भी पेट्स बहुत पसंद है और हर्ष को भी बहुत पसंद है। सो यानी बच्चे भी करेंगे हम, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी नए प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उसके में हम थोड़ा बिजी हैं, इसीलिए आपको लग रहा होगा अरे भारती दिख नहीं रही, आएगी भारती, बिल्कुल फ्रेंड नहीं, मेरे भाई हैं, वो मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने सीखा है, और कॉलेज में मैंने बोला कि मुझे टीचर भी रहे हैं यूथ फेस्टिवल में, तो ऑल द बेस्ट कपिल भाई, आपका ये शो जो आ रहा है कपिल शर्मा फैमिली टाइम ना, फैमिली टाइम सुपर सुपर डुपर हिट, जो जैसे द कपिल शर्मा शो हुआ था वैसे ही ऐसा दूसरा कोई शो आ ना सके, और मतलब बस भाई ने एंट्री कर लिया, सब कहते हैं अरे नहीं कपिल गया अभी नहीं आएगा, तो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि जब भी शेर एक कदम पीछे जाता है तो वो जंप करने के लिए, सो ये उनका जंप है, ऑल द बेस्ट भाई, लव यू। अभी तो बिल्कुल नहीं, और बीच में कभी एक आधे एपिसोड के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि अभी मैं और हर्ष अपने ही प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, सो हम भी आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे, बेबी वाली नहीं कुछ प्रोजेक्ट वाली, सो लगे हुए हैं, बस आप सबकी दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए, एक बार फिर से तुम ऐसे बैठना है लेकर जब हम नए प्रोजेक्ट के साथ आएंगे। मुझे तो मैं बिल्कुल, मैं थोड़ी न्यूज़पेपर वाली या फिर इंटरनेट वाली नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटो डालती रहती हूँ, सो हर्ष बहुत ज़्यादा पेपर वेपर न्यूज़ बहुत पढ़ते हैं, तो हर्ष ने मुझे बताया, सो ये बहुत मतलब दुख की बात है, इतने अच्छे सीनियर एक्टर हैं, बट इज़ अ फाइटर, वो डेफिनेटली वो रिकवर कर लेंगे, क्योंकि क्या है साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, और एक कलाकार कभी दुखी नहीं हो सकता, बिकॉज उसने इतने टाइम तक वर्ल्ड को एंटरटेन किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी, ही विल बी बैक इन नेक्स्ट बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी हम उनकी बहुत सारी फिल्में देखेंगे। इरफान जी आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और मुझे अपने साथ अपनी फिल्म में लो, है ना? हर्ष लिख लेगा स्क्रिप्ट।
बिल्कुल है, थोड़ा सा अभी छुपा के रखे हुए हमने, लेकिन एक डेढ़ महीने में बिल्कुल हम ओपन कर देंगे, क्योंकि कभी चाहे शादी हो चाहे प्यार हो, हमने बिल्कुल भी छुपाया नहीं है, बिंदास लाइव रही है हमारी शादी ये वो। तो जल्दी जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके बारे में भी बताएंगे। सो जितने भी लोग हमको देख रहे हैं उन सबको हैप्पी गुड़ी पाड़वा और हैप्पी नवरात्रि। और हर्ष आई लव यू यार। अच्छा ठीक है, चलो देखते तुम्हारा भी। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।